मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदात्मा सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधान सर्व धर्म शासन जीव जीवम तत्म जीवृषम देवेंद बंद बंद बंदे तम सदा भगवान की वाणी धरती का प्रवचन सर्वांग से होता है, केवल मुख से होने वाला उपदेश बहुत अजूबा है। आयुर्वेद से भी देखें तो एक अंग को कभी किसी को स्वस्थ कर सकते हैं? आंखें अलग नहीं है, कान अलग नहीं है, नाक अलग नहीं है, पेट अलग नहीं है, सब जुड़े हुए हैं बेचारे, सब में एक सा रक्त प्रवाह चल रहा है। अगर रक्त दूषित होगा तो फोड़ी फुंसी होंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्त प्रकट कहां से होते ये मैत्री बात नहीं, कहां होती है? बहुत लोग सोचती है आम पेट में होती, पेट में नहीं होती, सर्वांग में होती आम दोष। और आम दोषों से ही ये बैठे बैठे इनसे पूछा, इनसे कोई खास खोज लिया लगता ही नहीं हमारा खान पान खराब है। औषधि को तो वैद्य जी कल बोले चौथे नंबर पर रखा है, पहले आहार विहार और फिर निद्रा फिर औषधि। लेकिन सर्वांग में सबसे पहले पर विचार देना चाहिए, विचार के बिना आहार शुद्ध कहां से हुआ? जब तक विचार शुद्ध नहीं होंगे, विचार जब तक निर्मल नहीं होंगे, सम्यक नहीं होंगे, कहां से सम्यक हो? तब से विचार वाला जीव ही सम्यक का अधिकारी है, समृष्टि जीव ही सम्यक संयम का अधिकारी है, संयमी जीव ही मुक्ति का अधिकारी है, मुक्त जीव ही सुख का अधिकारी है। अधिकार चाहती हूँ, उपकार नहीं करना चाहती। ये बहुत बुरी आदत पड़ गई हमारी जीवन में कि ये हमारा अधिकार है, इतना हमारा अधिकार है। अधिकार है तो कर्तव्य क्या, ये भी सोचोगे कि नहीं सोचोगे? और परमार्थ के साथ में व्यवहार, व्यवहार के साथ में परमार्थ सोचोगे कि नहीं? अगर मंदिर पर हमारा अधिकार है तो मंदिर की सुरक्षा संवर्धन ये भी हमारा कर्तव्य है कि नहीं? बोल, वो उनका है। ऐसे बंटवारा नहीं होता जाएगा, आगे का भाग तुम्हारा पीजिएगा और हमारा। माने खिलाने के लिए तुम हो और दूध निकालने के लिए हम हो जाएं। दूध निकालते समय अगर एक लात तुम्हारी तो क्या होगा? कहने से काम नहीं चलेगा, हमारे परिणाम कठोर है। हमारी परिणामों में कोमलता कैसी आए ये सूझो। दशरक्षण का महा मंगलमय पर्व है, भगवान की वाणी सर्वांग से खेती है। हम इसीलिए हमें ये मजाक लगती है और एकांगी हम पकड़ना चाहते। क्रोध करने वाला ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है? लेकिन क्रोध और ब्रह्मचारी का कोई मतलब व्यवहार नहीं किया, और अनाप शनाप क्रोध करे चाहे
जहां जैसी सूद उठते भी और ब्रह्मचारी मान रहे अपने कोई मतलब नहीं। मानी भी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, मान भी ब्रह्मचारी का घातक है। अब ब्रह्म है कि नहीं, लेकिन मान करने वाला अपने को ये नहीं समझता कि ब्रह्म अब्रह्म है ये, इसे ब्रह्मचर्य का कोई संबंध ही नहीं ये समझ बेटा। इसी का मतलब मार्चार भी अब्रह्म है, लोग भी अब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप में तृप्ति नहीं होना अब्रह्म है। न ब्रह्मम अब्रह्मम, जो ब्रह्मचर्य नहीं है वह अब्रह्म है। अब समझ लो आप, स्त्री के शरीर में रमना वो तो अब्रह्मचर्य मान लिया तुमने। तुम अपने शरीर में रमोगे तो रमोगे माने सुंदर कुरूप कमजोर मोटा, कब तक दिखते रहोगे शरीर से अपने को? अरे ये सब भिन्न है, ये कमजोरी अपनी कमजोरी नहीं है। कमजोरी ये है कि राग को सहन नहीं कर पा रहे, राग की वशीभूति हो रही है, उसको माना ही उससे कोई संबंध नहीं है। शरीर कमजोर हो गया, शरीर कमजोर हो गया कि शरीर को अपने मानने वाला कमजोर हो गया, कोई संबंध नहीं। नीचे कीचड़ बह रही है, ऊपर से गंगा जल बह रहा, आदमी जा निकले चले जा रहे, नीचे जल बह रहा, पुल बना हुआ और ऊपर चल रहा तो गाड़ी चल रही और ऊपर से ट्रेन चल रही, लगता ही नहीं है ये अब्रह्म है। जिसको लगता ही नहीं है मान कसा अब्रह्म है, क्रोध कसा अब्रह्म है, मिटे कैसे? सारा जीवन वो तो ये मानता रहेगा हम ब्रह्मचारी, हमने विवाह कहां किया? और ये विवाह नहीं किया किसको अपना माने? विवाह माने क्या होता? विवाह माने क्या स्त्री को अपना मान लेना है? हाँ यही है, ये मेरी स्त्री है, मैं इसका पति हूँ, मैं ये स्व है, मैं इसका स्वामी, अब्रह्म होगा। इस क्रिया विशेष को हम अब्रह्म क्यों मानते हैं? परिणाम विशेष को अब्रह्म क्यों मानते हैं? क्रोध कसाय भी अब्रह्म है, मान कसाय भी अब्रह्म है, आकिंचन पर्यंत अब्रह्म नहीं मानो तो नहीं मानो, लेकिन है। ब्रह्मचारी से हम कहें एक साड़ी खरीदो, काय के लिए? कौन को दें? शरीर से उदासी नहीं हुई तो कैसी उदासी समझी? भेद विज्ञान नहीं हुआ तो कैसे? मोह भी अब्रह्म है, अब्रह्म नहीं अब्रह्म का मूल है। पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में कहा एक बार क्या हुआ, पार्श्वनाथ भगवान ध्यान में बैठे थे, उदासी रति और कामदेव निकले, तो कामदेव कह रहा था स्त्री को देख करके डींग बखाने की आदत है, कामदेव कह रहा था विश्व में ऐसा कोई प्राणी नहीं जो हमारी बसता नहीं, आज धरती को मौका मिल गया, ये नग्न तपस्वी जिसके पास न कोई हथियार है न कोई बस्ता भूषण है, कुछ भी नहीं हथियार दिए, हाँ दे तो दिखेगा ही कुछ भी नहीं हथियार दिए, समता के हथियार है उनके पास, लेकिन उसकी मानता कौन है?
जिसके भीतर प्रवेश नहीं होता वर्धित प्रसादेव भावों का, जिसे सामने ऑब्जर्व करने वाले के प्रति भी क्षोभ उत्पन्न नहीं होता, कुछ भी नहीं हथियार लिए। 100% लोग ये कहेंगे मुंडाज के पास क्या है, अरे क्या नहीं है ये पहले सोचो, मुन्नाज की बात क्या है, अरे क्या नहीं है पहले ये बताओ, जहाँ समता है वहाँ प्रभुता है कि नहीं है, जहाँ सम्यक दर्शन है वह सम्यक चारित्र है कि नहीं, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र है तो सुख है कि नहीं। रत्न श्रेय निधि उर्धरी लगता ही नहीं, उनके बात क्या है, जरा फकबुक के कपड़े पहन लिए, 2-4 रुपए जेब में डाल दिए, हमारे पास सब कुछ, अंगूठी मैंने गली में जिनकी हमारे पास है, अरे तुम्हारे हृदय में भगवंतों की भक्ति भी नहीं है, तुम्हारी अंतर्दृष्टि नहीं है, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। जैसे नीति में कहा अधिकार पाकर के जो उपकार की भावना नहीं रखता उसके जीवन को धिक्कार है, अधिकार पाकर के जो उपकार की भावना नहीं रखता उसके जीवन को धिक्कार है। तुम्हें अधिकार ये कैसे मिल रहा है, अगर तुम्हारे बुजुर्ग ऐसे ही लापरवाही करते तो ताड़पत्र के ग्रंथों में मिल जाते, महीने 2 महीने 4 महीने बाद जिनवाणी का पता नहीं पड़ता कहां गई, और 2000 वर्ष हो गए कम से कम, ताड़पत्र के ग्रंथ जिनको मोड़ने दे टूट जाए और अभी भी उपलब्ध है, अगर नहीं होते तो मैं जाती, अगर वे आत्मानुभव नहीं करते तो हमें मुक्ति का मार्ग मिल जाता, सुनी सुनाई कहते थे जंगल में सांपों का समूह गया, एक मुन्नाज को देखा ध्यान मग्न, उपदेश हुआ कि नहीं, क्या उपदेश हुआ, इस विश्व में आत्मा के अतिरिक्त कोई भी ध्याने योग्य नहीं है, कोई भी देखने योग्य नहीं, हो गया उपदेश। अब तुम भाषण देते हो आज उपदेश नहीं हुआ, आज उपदेश नहीं हुआ, आज प्रवचन नहीं भाव, तुमने प्रवचन सुना नहीं, प्रवचन तो हुआ, बहन नहीं कहे लखी हो सम्यक धर्म, वचन नहीं कहते हैं और फिर भी उनको देख करके सम्यक को प्राप्त कर लेते। इस विश्व में शुद्धात्मा ही देखने योग्य है, इस विश्व में शुद्धात्मा ही जाने योग्य है, दशरक्षण धर्मों का धर्मी ही शुद्धात्मा है, शुद्धात्मा बिना कहां से आएंगी दशरक्षण धर्म, कभी देश में ही आएंगे। हे भगवान हमने आपके सब संदेश विदेश भेज दिए, अपने पास कुछ नहीं रखो, कूड़ी दे, अरे विदेश मत संजो के रखो, उनके प्रति भक्ति भाव बनी रहे। स्वानुभव कैसे हो जे मत पूछो, इन भगवंतों के प्रति भक्ति कैसे बने ये सोचो, अनंत भक्ति में और सम्यक दर्शन में सापकाचार में लिखा नाम भेज है, लेकिन हम स्वार्थी बनते हुए अपने को मानते हुए को नहीं जानते हुए विश्वासी मानते, स्वार्थी है कि भोगार्थी है, और भोगों की वांछा से भोग मिलते हैं कहीं, भोगों की वांछा से भोग नहीं मिलते, लेकिन नहीं मिले हमें तो मिले, अरे पुण्य से भोग मिलते हैं बाहर के,
और अतिंद्रिय आनंद का भोग होता है अतिंद्रिय ज्ञान से। भोग माने क्या होता, भोक्ता नाम का गुण है आनंद मानना, कि आनंद होना। अरे होएगा तभी तो मानेंगे, तुम जिसको छोना मान लो, मान लो, मान लो कोई कैसे माने, जो सोने जैसा दिखाई भी नहीं दे रहा उसको हम सोना कैसे माने। पद्म प्रमाधारी देव ने लिखा, तेरे रहते हुए हे परमात्मन मैं बुद्ध के अपने ही जैसे मोह मुग्ध काम मुग्ध उनको देव कैसे मान ले, नहीं मान रहे, हमारा मन ही नहीं कहता, कैसे मान ले। हमें इन्हें धर्मांत मान ले, ये बढ़िया पूजा कर रहे, अरे पूजा कर रहे हो ये हमें का मतलब, धर्मांतों से कहेंगे हम तो जिसके हृदय में अंतर में दया का परिणाम, जो कह करके रह जाएगा हमारे मन में बहुत कमजोरी कमजोरी कमजोरी, ये भूल हमारी गलती है, धर्मात्मा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, अंधकार भी हो और प्रकाश भी हो, वो भी हो धर्म भी हो, कभी नहीं हो सकता। दर्शन मोह का अभाव होने पर धर्म प्रकट होगा, निश्चय धर्म भी होगा और उसके साथ में व्यवहार धर्म भी होगा। आपके जीवन में नहीं है ये, हमें कोई आश्चर्य नहीं है, सम्यक्त के गुण सम्यक्त बिना कहां से आएंगे, आत्मानुभव के बिना आत्मानुभव की विधि बताने वालों के प्रति भक्ति कहां से आएगी, जैसे देखा है तैसे अपन का है। हाँ बस बहुत अंतर है, एक वाणी से कहना और एक जीवन से कहना, उत्कृष्ट साधना है मौन की। सत्य की प्राप्ति मौन में होती है, वाचालता में सत्य का नाश होता है, बाहर की टंकियां नल को पानी को नाश करने वाली है, भीतर का नल भरने वाला है, अंतर्मुखी उपयोग धर्म की प्राप्ति कराता है, बहिर्मुखी उपयोग से धर्म का नाश होता है। प्रभावना होना चाहिए, अरे पागल प्रभावना हो जाएगी, पहले आराधना करो, नहीं बात कभी मतलब हम नहीं करेंगे, वो तो हमने पूजा और स्वाध्याय को मान लिया, हम तो अपनी कर रही है, हम सवेरे उठ करके सबसे पहले स्वाध्याय करते हैं, सबसे पहले स्वाध्याय करते हो कि स्वयं को याद करते हो, मैं करता नहीं, पढ़ने वाला मानते हो ज्ञाता मानते हो, सबसे पहले और पीछे, और आपका क्या कार्यक्रम, कार्यक्रम मोक्ष मार्ग का क्रम सम्यक दर्शन से शुरू होता है, कार्यक्रम नहीं है ये, ये कार्य है। क्या कार्यक्रम, अब हम वहां जाएंगे वहां जाएंगे वहां जाएंगे वहां से वहां जाएंगे, ये कोई कार्यक्रम है, अपने घर आओगे कब आओगे, इन्हें देखेंगे फिर इन्हें देखेंगे फिर इन्हें देखेंगे, इन्हें देखेंगे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, तुम्हारी गिनती गलत है, अपने को गिना ही नहीं तुम्हें, अपने को देखा ही नहीं, हम भी तो हैं उसी में, उसमें रहते हुए भी उन सब से न्यारे हैं, जोग धरे पर जोग सो भिन्न, शरीर होते हुए भी शरीर से हम भिन्न हैं, शब्दों में नहीं अनुभूति में एहसास में, आराधक ही प्रभावक होता है,
जंगल में बैठा हो कोई प्रार्थना का विकल्प नहीं है, लेकिन आराधना सबसे बड़ी प्रार्थना। एक भीड़ जुटा सभा लगा और एक कोई वक्ता नहीं हो, आराधक नहीं हो, कैसे करोगे क्या करोगे प्रार्थना? तीन तीन चार चार पांच पांच छह छह घंटे प्रवचन करा दिया, हो गई प्रार्थना। प्रवचन कराने वाला भी प्रार्थना मान रहा है, करने वाला भी प्रार्थना मान रहा है। इस प्रभावना में प्रवचन कहां से आ गया? प्रार्थना में प्रवचन कहां से आया? दोनों के शब्द के अर्थ अलग हैं कि नहीं? प्रभावना मन क्या होता है? उत्कर्ष भावना, विश्व में उत्कर्ष तत्व समझ लो तब उत्कर्ष भावना आ जाएगी। प्रवचन उत्कर्ष वचन, न प्रभावना न उत्कर्ष वचन। वचन तो तब निकलेंगे मुख चंद ते अमृत झरे, जब अंदर में सर्वांग में अमृत झरेगा तब वचन में अमृत निकला। अब क्या करें? करें ये सूझेगा तुम्हें आत्मानुभव ही करने लायक है। क्या करें अब? तीन बजे आओ तो अब क्या करें आत्मानुभव? ढाई बजे अब क्या करें आत्मानुभव? पांच बजे अब क्या करें आत्मानुभव? कब सूझेगी? नहीं, इसके बाद ये करें, इसके बाद ये करें, इसके बाद ये करें, इसके बाद रोटी करें, इसके बाद प्रवचन करें। ये क्रम क्यों रखते हो? अनंत गुण अक्रम होते हैं, क्रम होता है। छह सामान्य गुण पढ़े हैं, लेकिन पहला गुण कौन सा है? पहला गुण कितना? पहला युगपत है कि पहले है? पहले अस्तित्व था, उसके बाद अस्तित्व आया, फिर द्रव्यत्व आया, धीरे धीरे अनंत गुण का समूह हो गया। अनंत काल लग जाएगा तुम्हें, और तुम्हारी तो फूटा घड़ा तो कभी भरेगा ही नहीं, निकलता जा रहा नीचे। कण कण का संग्रह करे, संग्रह होता कहाँ है? अनंत गुण युगपत होते हैं तो अनंत गुण युगपत प्रकट भी होते हैं। किसी जीव को समय दर्शन आया और बातल नहीं आया, झूठ बोलता है वो। समय दर्शन आ गया, बातल नहीं आया, इसे भी गण नहीं आया। एक गुण घूमना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। बहुत से मुंडा जैसे हैं जिनका छवसम कम होता है। छवसम ज्ञान से कोई महिमा भी नहीं है। छवसम ज्यादा हो तो अपने को बड़ा भी मत मानना, और छवसम कम हो तो अपने को छोटा भी मत मानना। सैकड़ों मुंडा जैसे हैं जिनको छवसम कम होता है, 40 गुणों के नाम भी याद नहीं हो रहे, 40 दोषों के नाम भी याद नहीं हो, दोषों के और एक भी दोष के खाने मुनिचर्या निर्दोष बनेगी। चार हाथ ऐसे नाप नाप के चलेंगे नहीं, और चार हाथ जमीन देखे वो जीव हो गया। तुम्हारी कभी वस्तु कोई खोई है कि नहीं? अरे तुमने अपना समय खोया है, तुमने अपनी शक्ति खोई है विकल्पों में, इधर उधर भटकते हुए अपना जीवन पूरा खोया है, जीवन खोया है। पता है तुम्हें?
मुन्नाज के बारे में लिखा है, जैसे किसी की कोई नदी खो गई हो कीमती तो देखते हुए चलता है, ऐसे ही आत्मा की है, खोए हुए भूले हुए आत्मा को याद करते हुए चलते, तब यह समिति स्वयमेव पलती है। जब बोलते हैं तो वो आ जाता, भाषा समिति अपने आप पलती है। कठोर वचन निकलते ही नहीं जिनके कठोर परिणाम नहीं होते, जिनके कठोर परिणाम होंगे उन्हीं के कठोर वचन निकलेंगे, नहीं निकलेंगे तुम निकाल के होता। अभी तुम्हारा व्यवहार का क्षमा भाव है, क्रोध के वचन निकाल के देखो, एक आध गाली नहीं के बता, नहीं दे पाओ। क्यों? गाली देने के लिए जैसी कथा चाहिए वैसी कथा है ही नहीं, हम कहां से जाएं? तो वात्सल्य करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें समझ में नहीं आता। तो समझो कभी नहीं आएगी। एक बात हमने कही थी आपसे, अगर आपको मुद्दा की भाषा बढ़ नहीं आती तो ये मूर्ति को देख करके मोक्ष मार्ग कैसे सीखोगे? समझ में नहीं आता, तुम्हारी समझ में जी तो आता है, पर की ओर देखो, अपनी इच्छा की पूर्ति करो। हमें क्या मतलब, देर हो गई, ये समझ में आता है तुम्हें? घड़ी देख देख के रोटी खाते हो गए? घड़ी देख देख करके रोटी खाते हो गए? अब जानोगे आप नहीं खाएंगे। और अहंकार से कर भी ले तो मतलब क्या निकलेगा? बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अब 11:30 बजे अब रोटी इनका देंगे, सामने वाला बैठा रहा है, उठा रहा है, जो कुछ है नौकर है हमारा, मैं कोई मतलब नहीं, हम तो 2 बजे खाएंगे, हम 3 बजे खाएंगे, हम 5 बजे खाएंगे, तुम बैठे हो धजी तुम उठाएगा, और तुम पहले निवट जाओ तो क्या हो जाएगा? लेकिन हम अपनी रूढ़ी जिया पाले बिना रहेंगे नहीं, तुम चार कच करो। इनके ये परिणाम है भी धर्मात्मा जिंदगी में नहीं बन सकती। हमें क्या मतलब? अरे जो अपने को ज्ञायक अनुभवता है उसके ज्ञान में सब जीव ज्ञायक दिखाई देते, ऐसा थोड़ी है अपना खून खून है, दूसरे का खून पानी है। हमें क्या मतलब? किसे साधर्मी से मतलब नहीं है उसे किसे मतलब होगा? उसे अपनी आत्मा से ही मतलब नहीं है, आराधना से मतलब नहीं है, साधर्मी से कोई मतलब नहीं। निकलता ही नहीं, निकलेगा भी नहीं। सम्यक के बिना सम्यक के गुण कहां से आएंगे? 8 मूल गुणों में कर्म पड़ेगा। अरे 8 मूल गुण युगपत होंगे, जब आत्मा पर दृष्टि होगी, आत्मा समझने की भावना होगी, तो जीवों की विराधना करके मांस खाने का परिणाम नहीं आएगा, मदिरा पीने का परिणाम भी नहीं आएगा। अच्छा मांस मत खाओ, मदिरा पी ले, अरे मदिरा रहने दे, शहद पी ले, दवाई में ले लो, खाए। युगपत है कि साथ में वो युगपत है कि क्रम से है? आज मांस छोड़ेंगे, कल मदिरा छोड़ेंगे, फिर मधु छोड़ेंगे, फिर पंचोदमा छोड़ेंगे, ऐसा छूटेंगे और अहंकार हम पड़े रहेंगे, हमने 8 मूल गुण डालने कर लिए। आत्मा मूल है, आत्मा को जाने बिना मूल गुण होते ही नहीं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान साथ में ही है, चार्ज में कम पड़ता है। मन चार्ज का क्रम भी तब शुरू होता है जब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है। जब तक सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं है, तब तक चार्ज का क्रम कहां से शुरू होगा?
आज मूल रूप कहां से आ गए? अरंत के कितने कौन है? ख्याली सिद्ध भगवान के आठ, हरि भगवान आत्मा के अनंत। वाह, तो आत्मा बड़ा हो गया। जब आत्मा के अनंत गुण है तो अरंत के भी अनंत गुण है, साधु के भी अनंत गुण है, समिति के भी अनंत गुण है, सर्व गुणान सम्यक। ये परम सुगुण है अनंत धीर के बस के ज्यादित गुण गमी। ये तो कहने के हैं, हमने उनके अभाव की अपेक्षा ये गुण कहे, नहीं तो अनंत गुण है सबके। लाइन में लगी रहो, शरीर को अपना मानती रहो, लाइन में लग गई। जब तक आत्म सन्मुख नहीं हुए तब तक सम्यक तुम्हारी सन्मुख कैसे आया है? तुम्हें बताने वाले के प्रति विश्वास नहीं है तो पहले ही तुम्हें आत्मानुभूति हो जाएगी, तब विश्वास आएगा। पहले देवदास गुरु की श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, समर्पण होगा, तब तुम्हें तत्वों की चर्चा आएगी। तत्वार्थ दानम सम्यक दर्शनम। लेकिन नहीं, इसमें चारों तीन की अपेक्षा है। निरपेक्ष नया मिथ्या, एक नया ऐसा भी है जो तत्वार्थ दान को सम्यक दर्शन कहेगा, लेकिन कहेगा आगे पीछे सब। एक बहुत छोटा दृष्टांत दिया था आपको, कहा था मकान में से यदि पार्टीशन को अलग कर दिया जाए, रसोई का और लैट्रिन का बाथरूम का सब पार्टीशन अलग कर दो, अब बड़ा रहेगा कि मकान हुआ? अनराकत खंडम अखंडम, इसमें से खंड निकाले नहीं गए हैं, ऐसा खंड है। अब सोचो सम्यक दर्शन कैसा है जिसमें देवदास गुरु का सिद्धांत निकाला नहीं गया, इसमें से तत्व सिद्धांत निकाला नहीं गया। पेड़ का दर्शन दिया, जो अंकुरा पहले दिन का था वही तना बन गया इतना मोटा। अगर उस तने को अंकुरे को निकाल के फेंक दोगे तो तना काय का बनेगा? हमने आगे पार पीछे सपाट खत्म मामला, हमें क्या करना? आत्मानुभूति सम्यक दर्शन का लक्षण है, लक्षण है, लेकिन जिसमें देवदास गुरु का सिद्धांत अंतर्गर्भित हो, तत्वों का सिद्धांत अंतर्गर्भित हो। और सिद्धांत ही नहीं अकेला, जहाँ मिथ्यात्व का अभाव हुआ वहां अनंतानंदी का भी अभाव, और अनंतानंदी के अभाव के साथ शेष कथाएं भी मंद हो गई, तब तो प्रथम गुण आया। प्रथम गुण आ गया, कहां से आ गया? अरे ये गुण गुणी में से आते हैं। आत्मा नहीं होता वहां एक गुण में। आपने पढ़ा है ज्ञान बिना वैराग्य नहीं होता, ज्ञान बिना का वैराग्य रूंगी कथा है, वैराग्य बिना का ज्ञान शुष्क ज्ञान है। लेकिन ये तीसरा नंबर पढ़ो, आत्मा के बिना ज्ञान और वैराग्य दोनों नहीं, कहां से आएंगे? एक भी गुण नहीं आता समय का, मोक्ष मार्ग होता ही नहीं है आत्मा के बिना। मार्ग आ जाएगा और गुण नहीं आएंगे वहां से, गुणी होगा ही नहीं और गुण आ जाएंगे।
और गुनाएंगे नहीं और हो जाएगा तुम्हें दर्द। अरे बड़ी सिलाई में बड़ी हो तो चले आ बाजार में, 100 रुपए लेकर के 2-4 रुपए लेकर के 500 रुपए लेकर के 2000 रुपए लेकर, जितना बड़ी से बड़ा नोट लेना हो आप ले लो, हम कुछ मने नहीं कर रहे। और दुकानदार से कहना जो जिसको आप अनपढ़ मानते हो, अशिक्षित मानते हो, उसे कहना सुनो मिसी का मिठास 100 रुपए का हमको दे दो। अरे 100 रुपए का दे, 500 रुपए का दे दो और मिसी का भारे ने दे दो। अरे वो दुकानदार बिना पढ़ा हुआ अशिक्षित जिसको कहते हैं वो कहेगा सुनो तुम पैसा ही छह तक बन दिखाओ। जिसके पास मिसी का मिठास लेगा उसको भार भी उसी के पास होगा, और जो मिसी का भार उठाएगा मिठास अपने आप में लेगा। पिता की सेवा करेगा पिता का पद अपने आप मिलेगा, और पिता की सेवा नहीं करेगा तो पद कहां से मिल जाएगा। पगड़ी रहते हो माई बाप, कर्जा हम नहीं देंगे। अरे पिता का कर्जा भी चुकाना पड़ेगा, जायदाद तुम संभालोगे कर्जा कौन संभालेगा। सम्यक दर्शन होने पर मिथ्यात् का अभाव होने पर अनंतान मंदी का भी अभाव होगा, और अनंतान मंदी अभाव होने पर शेष कथायों की ममता होगी, और शेष कथायों की ममता होने पर प्रथम और संवेग नाम का गुण भी होगा। हमने ये सोच लिया इनका कोई संबंध नहीं है, जाने का छतक में बैठे हैं। यहाँ सचमुच यहाँ भेद ज्ञान नहीं होता, वहाँ अभिमान होता ही है। भेद ज्ञान न हो और अभिमान न हो एक वो नहीं हो तो क्या पर्याय रहित वस्तु होगी, और जब पर्याय होगी तो कौन सी पर्याय होगी। जहाँ भेद ज्ञान नहीं होगा तहाँ अभिमान होगा, जहाँ अभिमान भेद ज्ञान होगा वहाँ अभिमान नहीं होगा। 11 अंग 9 पूर्व के पाठी हो जाए तो भी अभिमान नहीं आएगा, चक्रवर्ती वंदना करे तो भी अभिमान नहीं आएगा। मैं ये हूं ही नहीं, मेरा बंध बंधक भाव मेरे भीतर है बाहर नहीं। भगवान की वाणी सर्वांग होती है, वाणी नहीं सर्वांग है, जीवन सर्वांग है। बे मुंडा आज चुपचाप बैठे हैं, आपको लग रहा है आज प्रवचन नहीं हो, आज कुछ उपदेश नहीं है, वो झूठ बात, तुमने उपदेश लिया ही नहीं है। उन्होंने तो उपदेश दिया है, वे ध्यान योग को ध्या रहे हैं कि नहीं ध्यान योग को ध्या रहे, देखने योग को देख रहे हैं कि नहीं देखने योग को देख रहे हैं। तो जिसे वे देख रहे हैं वो देखने योग्य है, जिसे वे ध्या रहे वो ध्यान योग्य, खत्म हो गई हो गया उपदेश, कछु उपदेश दे दे मैं वाणी से कह दो बस उपदेश हो गया। वाणी का उपदेश तो जिसमें और ताल भरते दिव्य ध्वनि नहीं है, दिव्य नहीं है। दिव्य तो वह है जो सर्वांग से उपदेश हो रहा, आपका जीवन भी प्रभावना करनी है तो सर्वांगमय होना चाहिए। जीवन में सर्वांगता नहीं है तो अधूरापन है। आप प्रवचन था जी में तो ऐसी बढ़िया बात थी, जो सर्व को नहीं जानता वो एक को नहीं जानता, एक को नहीं जानता वो सर्व को नहीं जानता, ये तो ठीक है। अरे जे ठीक है वो ठीक है, जो सर्व को नहीं जानता वो एक को भी नहीं जानता।
एक में सर्व अंतर्गत है, एक ज्ञान के ये हैं कि नहीं भाई, त्रिकालवर्ती पर्याय है कि नहीं, जो सर्व को नहीं जानता वही कोई नहीं। ऐसे बहुत से वाक्य हैं, ज्ञान के बिना सुख नहीं होता, सुख के बिना ज्ञान नहीं रहता। कोई कहे हम सुखी तो हैं, वो ज्ञान तो है हमें, दुखी नहीं है। मान ले भ्रम होगा, भ्रम से सुखी मान लेना अलग बात है और सुखी होना अलग बात है। कितना अंतर है? बहुत अंतर नहीं है, बिल्कुल अंतर है। अमावस की अंधेरी जैसा और पूर्णिमा की उजाले जैसा अंतर है। हम जानते तो हैं, मानते नहीं, झूठी बात। समय साथे ज्ञान हो, बिना समय ज्ञान के, वो बिना समय दर्शन के तुमने ज्ञान मान कैसे लिया? ये तुम्हारी भूल है, किसी और की भूल नहीं है। हमने समय दर्शन के बिना ज्ञान मान लिया, समता के बिना सुख मान लिया, उन्हीं के उदय का कुछ व्यव मिल गया, ऐसे कोई सुखी मान लेना अलग बात है। वो इंसान नंदी रोज ध्यान है और आत्मव्यव में संतुष्ट होना, तप्त होना, मग्न होना, वो वास्तव में धर्म ध्यान है। ओम नमः शिवाय।